दिया तो बंदा रुकता नहीं, तो भाग जाता। इस तरह से हम 171 चोरिया रोक चुके हैं। तो भी वीडियो एक भी फेलियर नहीं, नहीं कुछ सोसाइटीज है जैसे विजय सेल्स के सारे शोरूम मेरे पास है, इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज ऐसे कई रिटेल चेन्स है जिनको लाइव सर्विस है, सोसाइटीज को देते हैं, RWs को देते हैं, पर वहाँ पे नजर आपका इक्विपमेंट जो देखेगा नजर रखेगा, कुछ भी गड़बड़ नजर आती है रोकेगा भी, और अगर नहीं रुक रहा है तो हर डिपार्टमेंट को फोन करके इन्फॉर्म भी करेगा। ऐसे बहुत सी हमने रोकी जैसी जो है वो कैमरे पे आप मेरे तेलंगाना में लगा है, जयपुर में लगा, आगरा में लगा, दिल्ली में बहुत सी और इंडिया में ये काम करते हैं और होने से पहले रोक देते हैं और आज तक भी किए। लड़कियां बचाई हमने, झगड़े बचाए, 10-10 लोग बंदे को मार रहे हैं। जो दिख रहा है अगर वो गलत है जो भी रोकने का उसको रोकेंगे। कुछ दिल्ली में है तो सेम डे, डिपेंड करता है कहाँ पे जाना है उस हिसाब से। टीम दिन की अलग है, कंप्लेंट भी नहीं रहती, यानी दो टीम है। दिन की टीम ये ध्यान रखती है कि फॉल्टना है कि हमारा राइट नाइट की होती है मशीन। दिन की टीम हैंड टू हैंड हर सामान लेके जाएगी, आपसे 1 रुपया नहीं लेना, जहाँ की बदल के आएगी ताकि रात को दिक्कत ना। दिन की टीम अलग, रात की टीम अलग, जो सब कोऑर्डिनेशन रखती है कि कैमरा खराब नहीं होना चाहिए। नॉर्मल केस में होता है कैमरा खराब है, रूटीन कैमरा जस्ट एविडेंस है कि बाद में क्या हुआ था। हम एविडेंस नहीं, हम होने नहीं देते। मैंने 4 जगह चोर पकड़वाए भी है जिनसे और केस सॉल्व भी हुए, यानी पकड़वा दिया कि उनसे उन्होंने आपकी टीम लगा रखी। कितने कैमरे पे? 25 कैमरे पे और हो गई और आपके लोगों ने पकड़ा नहीं, तो आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट रहता अभी तक? तो एक भी फेलियर नहीं सर। पिछले साल सर्विस लेवल एग्रीमेंट अगर आपके साथ मैं करूँ, हाँ जी, उस सर्विस लेवल एग्रीमेंट में क्या है कि अभी तक तो किसी ने मांगा नहीं। मेरे पास एक जवाब होता है, मतलब सिंपल लाइन होती है, मैं नहीं हूँ तो 100% चोरी होगी। आपके हिसाब से मान लिया जाए, वैसे तो आज तक फेल नहीं। मान लो आपके हिसाब से मान लिया 10% में चोर हो, 90% तो सेफ। मैं नहीं हूँ तो 100% चोरी होगी। कमर्शियल बिजनेस बात कर रहा हूँ आपके साथ, मैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट कर रहा हूँ जी। तो मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कैमरे लगाने का है, सर्विस आपकी है कि आप अलर्ट करोगे और कुछ होने नहीं दोगे। जी जी जी, हो गया तो क्या प्रॉब्लम? आज तक से कुछ ने मांगा नहीं। अगर मांगेगा तो मौसा भाई जितना मैं आज बातों में खेलता हूँ, कई बार जितना बचाने पे दोगे उससे 3 गुना मैं होने पे दे दूंगा, 10 गुना दे दूंगा। बचाने पे एक लड्डू का डब्बा नहीं मिलता है, तो हम काम कर रहे हैं, हम एविडेंस दे रहे हैं। आप रात में 100 बार चेक करो, बट सर प्रैक्टिकली हम देखेंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब अटेम्प्ट होता है जो पीए सिस्टम है दैट इज गुड, वो हमारे आईपीएमएस में भी इंक्लूडेड है। आजकल कैमरास में ही स्पीकर आप जैसे मैं घर पे मैंने लगा रखा है स्पेशली मेरे पेट के लिए, और फादर सिक रहते हैं वो है, सो आई कैन टॉक, आई कैन स्पीक ऑन माय सेल फोन, इट विल बी ब्रॉडकास्टेड देयर इन द कैमरा इटसेल्फ। बिल्कुल आजकल एक्चुअली सर दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन, बट पॉइंट इज दैट कि यू कैन नॉट वॉच दैट लाइव सेकंड बाय सेकंड। इफ इट इज समथिंग हैपन then you get a notification or maybe you check randomly you're working, so that's why the night process everyone is cannot sit and watch their property ki ha it is working, so that's आपसे पूछते नहीं है, लेकिन अगर यूएस में होता तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ये है कि भाई घर पे अगर आपने वहाँ तो सब जगह कि आप जो है रिस्पॉन्स सिस्टम भी हाथ में दोगे, सिर्फ इस पे नहीं करोगे, पुलिस को भी आप करोगे, आपका प्राइवेट गार्ड भी वहाँ पहुँचे वो भी है, और कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा तो इतने डॉलर्स का जो है वी आर रेडी हो जाए। सर अगर हमारी तरफ से वो फॉल्ट है, अगर हमारी टीम ने एक्शन लिया उसके बाद, जैसे आपके यहाँ कैमरे लगे, मेरे इंटरनल प्रोसेस में बहुत सारे कैमरे लगे जिनको देखने के लिए भी अलग टीम बैठी है, हर एक की शक्ल में नजर होती है, वॉशरूम में कोई नहीं जा सकता। जब सबको इन्फॉर्म ये बताइए एक सवाल कि अगर मैं कहूँ कि आज मुझे जो है 1 हफ्ते के लिए 100 कैमरे लगाने हैं, कितने दिन लगा? अगर दिल्ली में है तो परमानेंट की बात नहीं कर रहा, रेंटिंग पर वीक
100 cameras deployed in an outdoor scenario. आउटडोर लगना है, अगर दिल्ली में है तो 100 लगने में टीम लगेगी मुझे, अगर 15 दिन पहले बता देंगे तो मैं लगने में 4 दिन हो जाएगा, अगर मुझे पहले बताओ तो मैं लड़के अपॉइंट करने पड़ेंगे ना, सबको सिखाना पड़ता है, मैं लगाने का तरीका अलग है, मैं रोटी नीचे लगाता हूँ, मैं जितने लगाता हूँ 15 फुट 20 फुट की हाइट पर लगाता हूँ ताकि कोई तोड़ ही ना पाए, हाथ ही ना पहुंचे, मेरा तरीका ये होता है कि लोगों के रीच में ना रहे, तोड़ ना पाए, या हर वो तरीका जो हो सकता है उसका पहले इलाज किया जाए तो हो जाएगा, अगर टाइम मिलेगा तो पहले लड़के पड़ जाओ। आप जैसे दिल्ली में सर्विस प्रोवाइडर आजकल कितने हो गए, आपका कॉम्पिटिशन कितना? अभी रिसेंटली 2-3 हुए, अभी रिसेंटली जस्ट स्टार्टेड हुए, मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ, बहुत सी रिटेल चेन्स के सारे शोरूम्स ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज दे रहा हूँ, ये शुरुआत करने वाला मैं था दिल्ली में, दिल्ली में क्या इंडिया में किसी ने पहले सुना ही नहीं था, और सिंगल फेलियर नहीं है 171 के अंदर, एक भी नहीं, इवन हमारी टेस्टिंग टीम भी रात को चलती है, लोग खुद आते चेक करने के लिए, इसका एक बहुत अलग अलग प्रोसेस के अंदर कि आप जैसे ग्रुप बनते हैं, आप रात को लिखो ग्रुप में मुझे फोटो चाहिए, हम गार्ड से बात करते हैं, गार्ड को सोने भी नहीं देते, सही सो रहा है क्यों, उठ के रहे, बैठने के लिए आया, सोने थोड़ा है, ये है वो है, वट एवर जो बातचीत है, कोई माल आ रहा है जा रहा है, क्यों है क्या है, बातचीत भी करते हैं टू वे कॉलिंग के थ्रू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।